हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंफोसिस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 6 जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंफोसिस में। यहाँ पे हमें जो है फ्राइडे के दिन क्या देखने मिला। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 0.91% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1521.70 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा है जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड मोमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है, कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडल की बॉडी बहुत ही छोटी सी बनी है। यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ तो यहाँ पे अपसाइड में भी जो बड़ी एक जो है विक भी हमें देखने मिल रही है। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है इन्वर्टेड हैमर क्या होता है तो एक तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में अगर आपको जानना है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की जो प्लेलिस्ट ऐड की है वहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पे जो है शुरू से किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज बनाए डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से होती है उस चीज के बारे में। तो उसको आप जरूर देख ले, वहां पे आपको समझ में आएगा किस तरह से यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए हम जो है मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे आरएसआई की। आरएसआई 4950 मतलब एकदम ही न्यूट्रल हमारा आरएसआई हो चुका है। हमें यहाँ पे जरूर दोनों साइड का एक इशारा देता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार आपको कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमें जरूर एक पॉजिटिव साइड में जाते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे अभी भी जो है ट्रेंड नेगेटिव है, थोड़ा सा हमें कॉशियसली काम करना पड़ेगा स्टॉक में। यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपको 1581 तक का जो देखने मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये जो है पोजिशनल ट्रेडिंग वाइज भी जो है इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि कभी भी इस स्टॉक में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने मिले तो वही आप करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है और यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग वाइज भी जो है इतना हमें जो है प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे कभी भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए ही जाए। अपसाइड के लिए फिलहाल यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे कहूँगा नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे अपसाइड के लिए आप बिल्कुल भी जो है यहाँ पे पोजिशन ना बनाए। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर जो मार्क करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो कर रहा हूँ आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है यहाँ पे मेंटेन करने में। तो जरूर जो आप यहाँ पे इस चीज को जो है मार्किंग्स आप यहाँ पे अपने चार्ट पे भी जो वो कर ले। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है एक बताया कि किस तरह से यहाँ पे फ्राइडे के दिन स्टॉक में किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो उस चीज को जो है यहाँ पे आप जरूर आई बटन में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने बताया है, यहाँ पे आप उसको देख ले ताकि यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सके और यहाँ पे डिसीजन जो है यहाँ पे किस तरह से बनता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से, उसके बारे में भी जो हमने वहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्किंग जो है अभी एक्स्ट्रा किया है ताकि यहाँ पे स्टॉक कभी भी अपसाइड ज़्यादा मूव करे या फिर डाउनसाइड मूव करे
आपके पास जो है जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो जिसकी मदद से अपना अच्छी तरह से टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चले, ताकि यहाँ पे कभी भी स्टॉक का हम एनालाइज ना भी लाए तो भी आपके पास ये मार्किंग्स हो जिसकी मदद से आप जो है अपना ट्रेड जो है वो ले सके। कभी भी अगर आप हमारे चैनल पे आए और अगर यहाँ पे आपको जो है लास्ट हमारे जो है वीडियो देख ले ज़रूर, अगर यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो नहीं आया है तो कौन सा भी लास्ट वीडियो उस किसी भी स्टॉक का हो, चाहे आप इन्फोसिस का देख रहे हो या फिर रिलायंस का, आप जो है कोई भी यहाँ पे स्टॉक जो है हमारे चैनल पे देख ले लास्ट वीडियो, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ज़रूर मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप नेक्स्ट डे या फिर आने वाले दिनों में जो है ट्रेड ले पाओगे। यहाँ पे हमारी मार्किंग्स कंप्लीट हो चुकी है, बात करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की। 1522 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1516 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 1529 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया था, जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, यहाँ पे मंडे के लिए कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या आता है, अगला सपोर्ट आता है 1507 का, उसके बाद क्या आता है 1495 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1543 का, उसके बाद क्या आता है 1554 का। तो यहाँ पे जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए हैं जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही मेरी बात यहाँ पे मेरा ओपिनियन फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव साइड का यहाँ पे बन रहा है, मतलब स्टॉक में हम एक नेगेटिव क्लोजिंग मंडे के दिन देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा नहीं लेकिन 1507 से लेके 1516 के बीच में हमें क्लोजिंग जो देखने में इसके हाई चांस है। बाकी गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे और नीचे जो स्टॉक गिरते हुए देखने मिलने वाला है। जिस तरह से मैंने आपको बताया शॉर्टिंग की कभी भी अपॉर्चुनिटी में तो उसको आप जरूर ग्रैब करें, तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे मंडे के दिन शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देखने मिल सकती है, तो उसको आप जरूर जो है ग्रैब करना। सपोर्ट यहाँ पे जैसे ही तोड़े यहाँ पे जो कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए तुरंत ही यहाँ पे आप अपना जो है शॉर्टिंग के लिए जो ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।